चैनल वी आर द डीवीपी। आज हम कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग कर रहे हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे, वो भी हमारे फादर के साथ। सो गाइस, हमने हमारे पापा को एक टास्क दिया है। टास्क कैसा है? पास्ता बनाने का। यस, आप पापा's फेवरेट डिश इज व्हाइट सॉस पास्ता, ही लव्स इट। तो हमने आज पापा को टास्क दिया है दैट ही इज कमिंग नाउ एंड मेकिंग पास्ता फॉर अस। सो आई डोंट नो ये कितना हिट होगा या फ्लॉप होगा, वो तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स कॉल पापा। हैप्पी फादर्स डे। सो आर यू रेडी फॉर योर टास्क टुडे? यस, आई एम सो एक्साइटेड मैन। तो आज हम क्या बना रहे हो हमारे लिए? व्हाइट सॉस पास्ता। या आपने कभी अपने लाइफ में व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है? अरे चाय के अलावा आज दिन तक कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा बात पे बंद, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, यो मैं बना तो दूंगा लेकिन तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। कौन सी चीज कितनी डालनी तुमको बतानी पड़ेगी। डन डन डन। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले गैस को ऑन करो और अब इसमें डालो थोड़ा सा घी। अब घी को हम थोड़ा गरम कर लेंगे। ओके, अब इसमें डालो थोड़ा सा, हमारे पास थ्री कैप्सिकम है, येलो रेड और ग्रीन। ओके, ये थोड़ा थोड़ा हमें डालना है सब्जी फ्राई करने के लिए। डालो नहीं नहीं डालो हाफ बस 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 बस। येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम। वाओ, कैप्सिकम इतने यम लग रहे हैं, पास्ता कितना यम होगा। I'm so excited. अब डालो सॉस थोड़ा सा। और अब इनको फ्राई कर दो। अब जला दोगे सब्जियों को। खाना आसान है, बनाना बड़ा मुश्किल था। थक गया मैं, हेल्प करो। नो नो नो, ए चीटिंग चीटिंग चीटिंग। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, नो चीटिंग अलाउड, यू डोंट हेल्प। अरे हां, मैं कर रहा हूं, मैं तो खाली स्पून पकड़ रहा हूं। चलो अब ये हमारा वेजिटेबल तो फ्राई हो गया है, तो इसको हम लिड से ढक देंगे एंड वी विल लेट इट स्टीम फॉर अबाउट 10 मिनट्स। ओके, तो इसके बीच में हे व्यूअर्स गौर करना, इस बीच में हमने पापा के लिए एक टास्क रेडी किया है। ओहो, सो आर यू रेडी फॉर दैट टास्क? आई एम ऑलवेज। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। हाय पापा। हाय। कच्चा पापड़ पक्का पापड़।
क्या है वो? गिफ्ट फादर्स डे यार। ओके फाइन, आपको मिलता है ये दीवा का गिफ्ट हैम्पर। ओह वाओ, नाउ यू आर नॉट सपोज्ड टू रिवील दिस। ओके थैंक यू सो मच। ये है हमारी ओर से आपके लिए दीवा के चॉकलेट हैम्पर। लगी है यार, आप लोगों का हो गया तो पास्ता बनाओ प्लीज। टास्क कंप्लीट हो गया है, सो आप प्लेट को ओपन करो और देखो अगर सब्जी बन गया है कि ओके, तो अभी सब्जी हो गया है तो अभी इसको ट्रांसफर कर दो बाउल में। बन गई है हमारे पापा ने सब्जी रेडी कर दी है, स्टीम कर दी है। सो लेट्स मेक द व्हाइट सॉस नाउ। आपको तो हम घी में अब डालेंगे थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा, देखो आप थोड़ा सा चम्मच से ले सकते हो, थोड़ा सा आपको इतना लो, इतना नहीं बने आधा, कम 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 और कम, बस इतने तो ये अपना जो ग्रेवी है ना वो अभी बन जाएगा थोड़ा सा लाइट ब्राउन। तो हो गया है, कितना टाइम लगेगा? और बस आई थिंक यू आर टू हंग्री, बहुत भूख लगी है। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया राइट, तो आई विल कीप एडिंग वाटर। चलो मैं इतना हेल्प कर देती हूं, आई विल कीप ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग एडिंग 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 मिल्क टू योर व्हाइट सॉस। आपको स्टर करना है, डोंट स्टॉप स्टरिंग, स्टर करो स्टर करो। दूध से पास्ता बनता है। वाह वाह वाह, इवन यू डिडंट नो दिस। आई डिडंट नो दिस। अच्छा आप दोनों ना मेरे लिए रोज अभी नए नए डिशेस बनाना और मुझे खिलाते रहना। अब तो मैं खुद ही बनाऊंगा। व्यूअर्स प्लीज नोट, मैं खुद बना के खाऊंगा। प्लीज नोट। ऑल राइट, तो हम इसको 5 मिनट्स तक उबलने देंगे जब तक आप एक ब्रेक ले सकते हैं। आई थिंक हमारा सॉस बन चुका है। आपको क्या लगता है भाई, सॉस बन गया? मेरा सॉस बन गया, बन गया, देखो देखो सही ना बन गया। यस देखो बन गया, बन गया, बन गया। माय वॉइस इज बिकम इंटेलिजेंट। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट हम क्या डालेंगे इसमें? इसमें पास्ता। रॉन्ग, हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। पास्ता को थोड़ा ग्रेवी में मिक्स कर लो। ओके, ग्रेवी में हम मिक्स कर लिए हैं और अब आएगा हमारा बॉइल्ड पास्ता। हाँ डालो। अच्छा अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये लो। ओके, काली मिर्च, काली मिर्च बस, बस ऑल है। ओके, अब डालो नमक। नमक कम, नमक डालो थोड़ा सा ऑल है। ओके, अब हम इसमें डालेंगे ओरिगैनो, ये लो ओरिगैनो। अच्छा टेस्ट है, बहुत ज्यादा ही पसंद है आपको।
चिल्ली गलती से डाला। चिल्ली चिल्ली फ्लेक्स टू आर हीट टू योर पास्ता। ओ वाओ ओके ओके बस 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 इतना टिका हो जाएगा। ओके ओके ओह पास्ता इज रेडी ब्रो। ये ब्रो अच्छा अब हम इसमें डालेंगे हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट चीज। चीज ये लो चीज डाल। होममेड चीज। पूरी दुनिया अपने फादर के लिए फादर्स डे पे कुछ ना कुछ बनाती है पर हमने सोचा लेट्स चेंज फ्रेंड्स लेट्स पापा कम टू द किचन क्योंकि ये एक ही रास्ता था कि हम इनको कुछ बनवा सके किचन में बुला सकते थे। सही है। ऑलराइट वो आप तो पसीने वाले हैं। थक गया मैं भी। सिर्फ पास्ता में थक गए। Okay. इतना इजी नहीं है। ओह बहुत भूख लगी है यार। ऑलराइट सो हमारा पास्ता अब रेडी है सो लेट्स ट्रांसफर इट टू बोल। ये लो ट्रांसफर कर दो हमारा पास्ता रेडी हो गया है। मैं हेल्प करूं मैं कर लूं मैं पहले अब बस छोड़ दो। सो गाइस हमारा पास्ता रेडी है। तो हम चले अभी पापा।